अधिक गुंडों को लाइन में लगाकर परेड। छतरपुर में पुलिस प्रशासन की अपराधियों, गुंडों एवं मवालियों पर सख्त कार्यवाही निरंतर जारी है। नए पुलिस अधीक्षक के कमान संभालने के बाद अंतर स्पष्ट दिख रहा है। इतना तो निश्चित है, छतरपुर में अब गुंडों एवं अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। छतरपुर पुलिस द्वारा 500 से अधिक गुंडा एवं निगरानी बदमाशों, हिस्ट्री शीटर को थाना परिसर में एकत्र कर करवाई गई परेड। शांति सुरक्षा व्यवस्था एवं नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही करने की दी गई चेतावनी। पुलिस अधीक्षक छतरपुर अगम जैन द्वारा अपराधों में नियंत्रण हेतु सभी थाना प्रभारी को अपने क्षेत्र अंतर्गत हिस्ट्री शीटर, निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की निरंतर निगरानी हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही निगरानी, गुंडा बदमाश एवं हिस्ट्री शीटर को थाने बुलवाकर परेड करवाने हेतु निर्देश दिए। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह एवं जिले के सभी अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत हिस्ट्री शीटर, निगरानी एवं गुंडा बदमाशों को थाना परिसर में उपस्थित कर पंक्तिबंद तरीके से परेड कार्यवाही की गई। छतरपुर नगर में थाना कोतवाली में 35, थाना सिविल लाइन में 30, थाना ओरछा रोड में 20 सहित छतरपुर अनुभाग में करीब 85 से अधिक स्ट्री शीटर, गुंडा एवं निगरानी बदमाशों की पंक्तिबंद तरीके से एकत्र कर परेड करवाई गई। अनुभाव नौगांव के थाना नौगांव में 25, हरपालपुर थाने में 20 सहित अनुभाग में 75 से अधिक की परेड करवाई गई। अनुभाग बड़ा मलहरा के थाना बड़ा मलहरा में 20 सहित 75 लोगों से अधिक की परेड करवाई गई। अनुभाग बिजावर अंतर्गत 80 से अधिक निगरानी, गुंडा बदमाशों की परेड करवाई गई। खजुराहो अनुभाग के खजुराहो थाने में 15, महाराजपुर थाने में 15 सहित अनुभाग में 65 से अधिक तथा लवकुश नगर अनुभाग में 85 से अधिक स्ट्री शीटर, निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की परेड करवाई गई। जिले में समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत 5 सैकड़े से अधिक हिस्ट्री शीटर, निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की परेड करवाई गई। परेड में सभी निगरानी, गुंडा बदमाशों एवं हिस्ट्री शीटर को शांतिपूर्ण तरीके से रहने, उपद्रव न करने एवं क्षेत्र का माहौल खराब न करने हेतु समझाइश दी गई। शांति भंग करने या उपद्रव मचाने पर कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने हेतु चेतावनी भी दी गई। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए चैनल हेड मनिंदु बहारिया की रिपोर्ट।